दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें पिछली वीडियोस में आपको LI की हाइपर और हाइपो कंडीशंस को बताया था। पिछली वीडियोस में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा LI1 जो इसका ऑरिटी पॉइंट भी है, यानी कि इसकी ऊर्जा का मेन जो बिंदु है, ठीक है, ड्राइनेस, ठीक है। अब पहले हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं, फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो जानेंगे। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, और ये हमारी यान साइड है, ये नेल वाली साइड जो होती है हमारी यान साइड होती है, ठीक है, ये हमारी यान साइड, जैसे ये मेरा हाथ है यान साइड, ऐसे ये हाथ है, ठीक है, इक्वल बना है, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यान साइड। तो ये जो हमारा बिंदु पड़ता है, ये हमारा पड़ता है इस पॉइंट पे, दूसरे कलर से आपको मैं करके बताता हूं, ये बिल्कुल ऐसे नेल के ऐसे पास पड़ेगा बाहर की तरफ, ये हो गया हमारा LI1, ठीक है, LI1 पॉइंट हो गया ये हमारा नेल के बिल्कुल पास में, ठीक है, लोकेशन हो गई। अब इससे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें हम लोग ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अगर किसी को दांत दर्द है तो इस बिंदु से हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, किसी को भी अगर दांत में दर्द है तो इससे उस टाइम पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर आप उसका प्रॉब्लम का कारण क्या है उस कारण पे जाएंगे तो जल्दी ठीक होगा, इससे ट्रीटमेंट आप करते रहेंगे LI1 पॉइंट से, ठीक है। दूसरा, अगर किसी कंधों में दर्द है, कंधों में दर्द, ठीक है, तो हम इस पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर थ्री, अगर किसी को तेज फीवर यानी कि तेज बुखार की वजह से बेहोशी आ जाती है तो हम इस पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, तेज बुखार जिसको ज्वर बोलते हैं, द्वारा बेहोशी आना, ये अगर प्रॉब्लम है तो हम ये LI1 पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। नंबर फोर, अभी LI1 है तो LI1 इसका मेन पॉइंट है, जहां से एनर्जी शुरू होती है, एनर्जी का फ्लो यहीं से शुरू होता है LI1 से, ठीक है, तब ऐसे बॉडी की तरफ जाता है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा जो हमने बताया था LI20, तो अगर LI20 के आसपास भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हम इसका ट्रीटमेंट LI1 से कर सकते हैं, ठीक है, LI20 के आस पास की समस्या, समझेंगे, यानी कि LI1 पॉइंट है, अगर LI20 के आसपास कोई प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट भी हम LI1 पॉइंट से करेंगे। इन सभी चीजों को ध्यान से नोट कीजिए, पॉइंट की जो लोकेशन बताई है, हालांकि सुजोग में भी यही लोकेशन होती है, क्लासिकल एक्यूप्रेशर में भी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ये LI4 भी पॉइंट होता है, LI का 4 पॉइंट यहां होता है, तो ये ऐसे चलती है, ऐसे पूरा ऐसे मेरिडियन यांग साइड जाता है, ठीक है। आगे आगे जो वीडियो आती जाएंगे उनमें बताते जाएंगे किस पॉइंट की कहाँ पे लोकेशन है और किसका क्या बेनिफिट है। आज की चीजें याद रखिए, लोकेशन दांत का दर्द, कंधों का दर्द, तेज बुखार के साथ बेहोशी आना और LI20 के आसपास की कोई भी समस्या उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।